पिताजी आप सभी के पिताजी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी का है कि जिन्होंने ये सपना देखे कि रेलवे माल गोदाम के जो मजदूर जो श्रमिक हैं उनके हाथों को कैसे मजबूत किया जाए, उनके भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए। अगर हमारे तरह काम करने वाले FCI के मजदूरों को अगर रेगुलाइजेशन हो सकता है, उसको भारत में कर्मचारी का दर्जा मिल सकता है, उसके बैंक के खातों तक में लाखों रुपया तनख्वाह पहुंच सकता है, तो इस रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को क्यों नहीं मिल सकता है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ऐसे महापुरुष का कि जिन्होंने हम लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना के दिए अपने हक अधिकार को प्राप्त करने के लिए। यह सुनहरा हमारे बीच में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ऐसा घर बना के दिए जो हमको हर सुख दुख विपदा में सुरक्षित रखने का काम करने का काम करेंगे। इसलिए मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी को दिल से आप सभी लोग के तरफ से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, लगातार पूरे प्रदेश में पूरे भारत में हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताएं और आप सभी लोग के सहयोग से हमारा डाटाबेस लगभग कंप्लीट के तौर पर है और हम लोग एक डेडलाइन जारी करेंगे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी कि उतना तारीख तक में हम लोग उसको सबमिट करने का काम करें। और हमारे महामंत्री जी का जो राष्ट्रव्यापी दौरा चल रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी माल गोदाम का एक भी श्रमिक किसी का रजिस्ट्रेशन न छूट जाए, किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं छूट जाए। अगर इस देश में एक भी माल गोदाम के श्रमिक छूट जाता है तो हमारी जो 26 साल 1998 जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया वो सपना पूरी तरह से पूरा नहीं होगा। इसी बातों को बताने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, आपको अपना हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इतना बड़ा, हमारे महामंत्री जी का किडनी ट्रांसप्लांट लगभग 9 महीना पहले हुआ है, डॉक्टर इनको मना किया, लेकिन आपके चिंता के कारण आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये पूरे देश के राष्ट्रव्यापी दौरा पर निकले हैं। हम धन्य हैं कि भगवान ने हम सभी को ऐसे चिंता करने वाले, अपने आपको रोजी रोजगार देने वाले ऐसे पिता हम के रूप में हम सभी लोगों को महात्मा ने, भगवान ने मुझे देने का काम किए हैं। इसके लिए मैं परम पिता परमेश्वर का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस जन्म को सफल करने के लिए अगर हम सभी लोगों का जीवन का पूरा तपस्या लगा करके भी अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होगी। राष्ट्रीय महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरा खत्म होने के बाद हम देश में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन करने जा रहे हैं और मैं अभी से ही अपने अतिथि हमारे पंकज जी, चाहे वेणुधर नाथ जी या हमारे अश्विनी नारायण दत्ता जी, मैं इनको निमंत्रण देना चाहता हूं कि उस महासम्मेलन में देश के पूरे भारत सरकार मौजूद होंगे। और मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं कि इन मजदूरों के इतिहास के पन्नों में उस महासम्मेलन में जो रखा जाएगा आप भी उसका साक्षात्कार